अहमदाबाद स्टेट है तभी तो बोलते हैं 500 कुछ किलोमीटर है, 508 किलोमीटर का ये है और यार बहुत तेजी से काम चल रहा है 508 किलोमीटर पे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इंडिया का सबसे पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय, और इस वीडियो में उसी का ग्राउंड रिपोर्ट है। जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में। यह प्रोजेक्ट मुंबई टू अहमदाबाद इंडिया का सबसे पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो कि 2019 से इस पर काम चालू हुआ था और यह 2026 तक कम्प्लीट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट काम पूरा होते ही इंडिया टू अहमदाबाद लोग 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। तो यह इंडिया का काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और यह इंडिया का सबसे पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी है। अगर ये सक्सेस होता है तो इसके बाद और भी कई सारे प्रोजेक्ट चालू होंगे, पर इसी को कंप्लीट होने में अभी 3 साल का समय है। तो इसी का ग्राउंड रिपोर्ट इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और कहाँ तक काम पहुँच गया है ये सारी बातें भी इस वीडियो में बताई जाएंगी। और तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे ही किसी भी वीडियो का अगर आप मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप उस वीडियो का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा। और ऑल वीडियोस के ओरिजिनल चैनल्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नाम सहित, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद जो हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसकी ग्राउंड अपडेट कि गुजरात जिले में कितना काम हुआ है। और हम आप सभी को दोस्तों दिखाएंगे गुजरात के जितने भी जिले के अंदर काम चल रहा है, उन सभी जिलों से आपको ग्राउंड अपडेट बताएंगे और उन जिलों में कितना काम हो चुका है उसकी जानकारी आप सभी को हम आज देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं वलसाड डिस्ट्रिक्ट से। वलसाड डिस्ट्रिक्ट में आप यहां पर देख सकते हैं जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, यहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, वो साथ ही यहां पर जो स्टेशन बनाया जा रहा है वलसाड डिस्ट्रिक्ट का, वो भी आपकी आंखों के सामने है कि स्टेशन का काम है बड़ी भारी भरकम और बड़ी तेजी से किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम गर्डर की बात करें तो यहाँ पर 2 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है वो वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाकर है NHS RCL के द्वारा तैयार कर लिया गया है, जो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि 2 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है वो वलसाड डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी के साथ दोस्तों हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो यहां पर आप सभी को पता है वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पहला रिवर ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, जो है पार रिवर के ऊपर, जो पूरा बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही वलसाड डिस्ट्रिक्ट में टोटल अगर हम वायडक्ट की बात करें तो वो 3 किलोमीटर लंबा बनकर तैयार हो चुका है, जो आपकी नजरों के सामने यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नवसारी डिस्ट्रिक्ट की ओर। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिलता है बिलीमोरा स्टेशन, जहाँ पर नवसारी में बहुत ही तेजी के साथ में प्रोग्रेस है, वो काम किया जा रहा है। साथ ही जो फर्स्ट फ्लोर का काम है यहाँ पर शुरुआत है वो हो चुका है, बल्कि सारे स्टेशन का फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगह पर शुरू हुआ है। बाकी आप वायडक्ट की कहें तो हम नवसारी में सबसे लंबा वायडक्ट बनकर तैयार हो चुका है, जो नवसारी का पहला कास्टिंग यार्ड है वहां पर 5 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो आप देख भी सकते हैं नवसारी में 3 वायडक्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो ओवरऑल प्रोजेक्ट में लगभग 37.5 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है वो गुजरात के अंदर बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें से 255 किलोमीटर लंबे तो जो पाइलिंग का काम है वो हो चुका है, और पियर की बात करें तो वो लगभग 155 किलोमीटर लगभग बनकर तैयार हैं वो हो चुके हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। यहाँ पर जो आप वायडक्ट है वो देख पा रहे हैं नवसारी डिस्ट्रिक्ट का पहला वायडक्ट, जो काफी लंबा वायडक्ट है यहाँ पर बनकर तैयार है वो हो चुका है। अभी हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको आगे भी दिखाएंगे जो सेकंड वायडक्ट है वो आप यहाँ पर देखिए, ये वायडक्ट 4 किलोमीटर लंबा बनकर तैयार हो चुका है। अभी इस वायडक्ट का फिलहाल काम रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर फिलहाल एक पिलर नहीं बना है, उस पिलर को बनाया जाएगा और उसके बाद इस वायडक्ट का काम तेजी से किया जाएगा। अभी दोस्तों मैं आप सभी को एक तस्वीर भी दिखाऊंगा इसी में नवसारी के जिले में, ये तस्वीर देखिए आप यहाँ पर, ये है नॉइज बैरियर। जब बुलेट ट्रेन चलेगी ना तो पहले आप तस्वीर में देख लिए, यहाँ पर नॉइज बैरियर यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं। जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो ये लगभग हम कह सकते हैं जो हमारी चेस्ट है उस हाइट तक ये नॉइज बैरियर है वो लगने वाले हैं, जिससे आवाज है
बहुत कम मात्रा में वायडक्ट से बाहर जाने वाली है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि साइड में से ट्रेन है वो गुजर गई है। तो इसलिए नॉइज बैरियर का काम है वो यहाँ पर लगना शुरू हो चुका है नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और नवसारी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक आप देख चुके हैं 9 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जो रिवर है उनका भी काम आपको देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा अब दोस्तों चलिए सबसे बड़े नवसारी का वायडक्ट है ये एक और है, तीसरा वायडक्ट नवसारी डिस्ट्रिक्ट में जो 5 किलोमीटर लंबा यहां पर बनकर तैयार हो चुका है। यह है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की ग्राउंड से रिपोर्ट। हर जिले की जानकारी आपको यहां पर देखने को जरूर मिलेगी। और यहां पर आप देख लीजिए जो 5 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है यहां पर भी बनकर तैयार हो चुका है। और जो इस साइडों में आपको पिलर से दिखाई दे रहे हैं यहां पर नॉइज बैरियर है वो फिक्स किए जाने वाले हैं और बहुत जल्द उनका काम भी अब शुरू हो चुका है, रफ्तार पकड़ने ही वाला है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आगे आपको कास्टिंग यार्ड है वो भी दिखाई पड़ रहा होगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 26% 100 में से काम है पूरा हो चुका है ऐसा जो नेशनल हाई स्पीड है उनके द्वारा बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि सूरत जिले में कितना काम हुआ है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा सेगमेंट कास्टिंग यार्ड है वो सूरत में बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर सूरत में भी अब वायडक्ट है वो लॉन्च होना शुरू हो चुका है। हालांकि 1 किलोमीटर लंबा वायडक्ट यहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ है, जो सेगमेंट के द्वारा यहाँ पर वायडक्ट है उसका निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरत स्टेशन, जैसा कि रेलवे की तरफ से बताया गया है कि बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन बनकर तैयार होगा वो सूरत रेलवे स्टेशन होगा। साथ आप साइड में जो तस्वीर देख सकते हैं वो भी सूरत रेलवे स्टेशन की ही है जो थोड़ा थोड़ा आकार लेने लग गया है। अब इसके तरफ आगे चलते हैं, यहाँ पर जो रिवर है तापी रिवर सूरत में वहाँ पर भी जो फाउंडेशन का काम है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर भी तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भरूच के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है नर्मदा रिवर से वो भी भरूच से 3 बड़ी परियोजनाएं निकल रही हैं, एक EDFC, दूसरा है हमारा जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और तीसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तीनों इसी नदी को एक साथ क्रॉस कर रहे हैं वो भी लगभग एक सेम लोकेशन पर। तो यहाँ पर भी अगर आप ये जो पिलर्स देख रहे हैं दूर तक, अगर भरूच की बात करें जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हुआ है तो ये दूर तक जो आप पिलर्स देख पा रहे हैं ये पिलर्स काफी लंबे हैं, 6 किलोमीटर लंबा ये पिलर्स हैं जो बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। अब सिर्फ यहाँ पर एक काम बचा है वो है वायडक्ट लॉन्चिंग। उसके बाद आप सभी को पता है ट्रैक है जो EV का काफी ज्यादा काम है, परंतु जो मेन कार्य अब यहाँ पर बचा है वो सिर्फ वायडक्ट लॉन्चिंग का भरूच डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ है, जो आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा है कि जो 6 किलोमीटर दूर तक है पिलर है वो बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वडोदरा डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर भी बड़ा तेजी के साथ में काम है वो किया जा रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखो तो ये जो आप वायडक्ट देख पा रहे हैं ये 5 किलोमीटर लंबा वायडक्ट यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया गया है, जो काफी लंबा वायडक्ट है। आप सोच कर देखिए 5 किलोमीटर आपके घर से कितनी दूर है, तो उतना लंबा वायडक्ट यहाँ पर बनाकर है वो तैयार किया गया है। और यहीं पर आने वाले समय में हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन है वो दौड़ने वाली है, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। जो मुंबई अहमदाबाद का सफर मात्र सिर्फ 2 घंटों में कवर करवाएगी, जहां पर आज 6 घंटे लग जाते हैं हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से। तो आप इन तस्वीरों में देखिए जो साइड में यहां पर भी बैरियर लगने वाले हैं, नॉइज बैरियर हैं वो लगने वाले हैं, जो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। अब आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ डिस्ट्रिक्ट आएगा, आनंद भी दिखाएंगे और आपको खेड़ा भी। फिलहाल ये दूसरा वायडक्ट है यहाँ पर जो 4 किलोमीटर लंबा बनकर तैयार हो चुका है, वो भी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि बात करें तो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में 9 किलोमीटर लंबा वायडक्ट बनकर तैयार हुआ है। वहीं नवसारी की बात करें तो नवसारी में लगभग 14 किलोमीटर लंबा वायडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि सबसे ज्यादा नवसारी में और वडोदरा में ही वायडक्ट बनाकर तैयार किया गया है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी दूर तक वायडक्ट है वो देखने को हमें मिल रहा है। यानी कि जो बताया गया है कि 2026 में पहली बुलेट ट्रेन आने वाली है, वो बात सच है और ऐसा होने भी वाला है कि बहुत जल्द 2026 में देश की पहली बुलेट ट्रेन हमें देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जिले की तरफ, यानी डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं आनंद डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात जिले में है। टॉपिक बाई टॉपिक हम हर जिले को कवर कर रहे हैं कि किस जिले में कितना काम है वो बुलेट ट्रेन परियोजना का हो चुका है। ये जो वायडक्ट देख रहे हैं ये वायडक्ट है 5 किलोमीटर लंबा, गुजरात भी इस मामले में कम नहीं है कि गुजरात में भी 5 किलोमीटर लंबा वायडक्ट है वो बनाकर तैयार कर लिया गया है NHS RCL के द्वारा।
जो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूर तक 5 किलोमीटर काफी ज्यादा होती है। मैंने आपको पहले बताया, एक बार सोच के देखिए आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी कितनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 किलोमीटर लंबा वायरेट कितना लंबा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर जो आनंद डिस्ट्रिक्ट है उसका स्टेशन है, उसका निर्माण किया जा रहा है और जो काफी आकार लेने लगा है और दूसरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनकर तैयार होगा। अब अहमदाबाद में भी काम है, वो शुरुआत हो चुका है, वो आप यहाँ पर पिलर देख सकते हैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर वायडक्ट का निर्माण शुरू हो चुका है, साथ साबरमती टर्मिनल का भी काम है लगभग पूरा हो चुका है जो आप तस्वीरों में देखोगे। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसे लगी बताना जरूर, मिलते हैं हम आप सभी को एक नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद, 2 घंटे का रास्ता होगा टोटल, एक घंटे, ये 508 किलोमीटर मेरे ख्याल में घंटे में कवर करेगी या 1.5 घंटे में कवर करेगी भारत की बुलेट ट्रेन। और यार मजा आप लोगों को आने लगा है, आप लोग मतलब फ्यूचर, मतलब 37% जो वायर, 37 किलोमीटर जो वायर डक्ट है वो बिल्कुल बन चुका और फ्यूचरिस्टिक किस्म के आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ले आने लगे आपके तरफ। बहुत बहुत यार आप लोगों को मुबारक, हम कहते हैं इधर भी कोई आए तो मजा आए, इधर तो वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं है तो भाई ये तो दूर की बात है यार। बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में बोल रहे थे 2050 के 70 के बाद आएगी, 2050 तक आएगी, सही बात है, उम्मीद नहीं लगता वो अभी अभी जो इलाज चल रहे हैं। तो वही बताया कि हम 50 साल पीछे भाई, भाई 50 साल। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, एंजॉय किए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसे ही किसी भी वीडियो का मिक्स सेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स सेक्शन आपके लिए जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा। मिलता हूँ आपसे और नए मिक्स एक्शन वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय गाइस।